उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी को सीएम धामी ने टिम्बरू से बने सुगंधित इत्र भेंट किए, जो कि पीएम को काफी पसंद आए। आपको बता दें, टिम्बरू का पेड़ अक्सर हिमालय जंगलों में पाया जाता है, जिसे उत्तराखंड के लोग किसी भी शुभ कार्य में उपयोग करते हैं। सगंध पौधा केंद्र ने इससे नया प्रयोग कर इससे परफ्यूम बनाए। सीएपी के इस प्रयोग ने लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए। सगंध पौधा केंद्र के निदेशक निपेंद्र चौहान ने अनादि टीवी संवाददाता से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम आर्किटेक्ट निखिल मोहन मिश्रा, मैं नीव फाउंडेशन ऋषि ग्रुप दिल्ली से हूं। हम लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पे हुआ है और होलिस्टिक अप्रोच और इंक्लूजन के साथ हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिनिशिंग स्कूल्स आने चाहिए और देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारा समाज शिक्षित होगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हम कह सकते हैं, खास तौर से विकसित भारत की जब हम परिकल्पना देख करते हैं, तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने भी इस पर फोकस करने की बात कही है, आपको क्या लगता है कि जब आप लोग जैसे निवेशक यहाँ आएंगे तो उससे यहाँ की एजुकेशन में और बूमअप होगा? डेफिनेटली यहाँ की एजुकेशन में काफी बूमअप होगा और नई टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग बात करेंगे, AI, रोबोटिक्स, डिजिटल लर्निंग सेंटर, तो डेफिनेटली फर्क आएगा उसके अंदर। सरकार को और क्या बदलाव करने की जरूरत है, कुछ ऐसा लगता है आपको कि कुछ और एजुकेशन सेक्टर में कुछ नए आयाम स्थापित करने की? सबसे ज्यादा जो मेन चीज उनके लिए जरूरी है वो ये है कि जो चीजें वो सोच रहे हैं आज के टाइम में, जो उनका रोड मैप है उसको इम्प्लीमेंट करते, सारी चीजें अपने आप पॉसिबल हो जाएंगी। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, जैसे इन्होंने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और तमाम नीतियों में कुछ बदलाव की बात भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सपना ये है कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए और वो इकोनॉमी के तक पहुंचने के लिए हमें डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा और जब शिक्षित भारत तभी विकसित भारत होगा। बस आपसे चलते चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे, आपने एक बात कही कि जब शिक्षित समाज होगा तो विकसित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सकेंगे। आप बात कर रहे हैं अगर हम एडवांस एजुकेशन की बात करें तो आपको लगता है उसमें क्या और इंक्लूड करने की आवश्यकता? सर, मैंने अभी आपको बताया कि AI, रोबोटिक्स, डिजिटल लर्निंग सेंटर, इन सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। इंक्लूजन के ऊपर हमें बहुत फोकस करना है, जिस पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने निवेशकों को सुना जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब शिक्षा से संबंधित जो नए आयाम है सरकार को उनको अस्तित्व में लाने की जरूरत है। अपने सभी कैमरा सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी।